एट स्टार्ट। यस सर। का ये मैंने कल आपको करा दिया था सारा। ओके, एक बार फिर देख लेते हैं। फिर भी हम मैटर की यस सर। डेफिनेशन आपको पता ही दी थी कि कुछ भी जो स्पेस लेती हो और मास रखती हो उसको हम मैटर बोलते हैं। हम क्लासिफिकेशंस कर रहे थे मैटर का, तो मैटर हम जो क्लासिफाई करते हैं वो करते हैं एलिमेंट्स कंपाउंड एंड मिक्सचर में। ओके, तो ये देखो यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, बिल्कुल सिंपल। सब्सटेंस हमारे ब्रेक होते हैं एलिमेंट और कंपाउंड्स में, और मिक्सचर हमारे टू टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यस सर। देखो एलिमेंट्स एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम और सिंपल पार्ट में नहीं ब्रेक कर सकते किसी भी केमिकल मेथड से, तो वो एलिमेंट्स होते हैं। हमारे एक 113 एलिमेंट्स है जो पूरे पीरियोडिक टेबल में है, जिसमें 82 तो नेचुरली है और 31 मैन मेड है, मतलब जो साइंटिस्टों ने बनाए हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्स देखो या तो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं या मॉलिक्यूलर फॉर्म में। एटॉमिक फॉर्म में लाइक ए नियोन, देखो अकेला इसका सिर्फ एटॉमिक सिंबल ही सिंबल से डिनोट करते हैं। कार्बन ओनली सिंबल सिंबल से ही डिनोट करते हैं। ऑक्सीजन ये देखो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, हमने दो एटम यूज किए हैं यहाँ पर ऑक्सीजन के। क्लोरीन, क्लोरीन के भी हम यहाँ पर दो एटम यूज कर रहे हैं। ओके, दूसरा आता है कंपाउंड्स। यस सर। कंपाउंड्स मतलब जब हमारे दो एटम मिलकर एक नया फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं उसको हम कंपाउंड्स बोलते हैं। देखो जैसा कार्बन और ऑक्सीजन, ये दो अलग अलग एलिमेंट्स थे, दोनों एक साथ ऐड हुए तो इन्होंने एक कंपाउंड्स बनाया जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। ऐसी हमारा यस सेम सर। वाटर। ओके, ये आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, जैसे कि ये बहुत सारे हमारे मतलब वाटर, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है, ये हमारे कंपाउंड्स हैं। उसके बाद हम मिक्सर्स पर आए थे। जब दो सब्सटेंस या दो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं पर उनका जो रेशियो है वो फिक्स्ड नहीं होता, या फिर वो केमिकली उनमें कोई चेंज नहीं होता, उनको हम बोलते हैं मिक्सर। ठीक है, जैसे कि आपने सैंड को वाटर में डाल दिया, ठीक है, उसकी कोई केमिकल प्रॉपर्टी चेंज तो नहीं हुई कि हाँ आपने सैंड डाला और आपको सॉल्ट मिल गया, ऐसा तो नहीं हुआ ना। ठीक है, सॉल्ट मतलब आपने सैंड डाला तो सैंड ही रहेगा, क्ले डालोगे जी आप सर। वाटर में तो क्ले ही रहेगा। वो ऐसा नहीं है कि आपने क्ले डाला और उसमें से आपका कुछ और बन गया, लाइक सॉल्ट, शुगर। ओके, तो हमारे टू टाइप्स के यहाँ पर मिक्सर थे, होमोजीनियस मिक्सर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सर। ओके, यस सर। होमोजीनियस मिक्सर जिसको जिसके कंपोनेंट्स को हम अलग अलग नहीं कर सकते, जैसे कि कॉफी है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कॉफी का जो कलर ऊपर रहेगा वही कलर नीचे रहेगा, या फिर आप कह सकते हो जो टेस्ट ऊपर रहेगा वही टेस्ट नीचे रहेगा, मतलब जो टेस्ट आपका फर्स्ट सिप में होगा वही टेस्ट आपका लास्ट सिप में होगा। ठीक है, सेम मिल्क यस शेक, ऑरेंज जूस, ये सारे ऐसे के इसके एग्जाम्पल्स में आते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सर। हेट्रोजीनियस मिक्सर मतलब जिसको हम सेपरेट कर सकते हैं, जैसे फ्रूट सैलेड है। ठीक है, फ्रूट सैलेड में यहाँ पर देखो कीवी है, ऑरेंज है, बनाना है, तो हम इन सबको अलग अलग कर सकते हैं ना। कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कीवी को आप अलग निकाल सकते हो, बनाना को आप अलग निकाल सकते हो, ठीक है, एंड जी सर। वाटरमेलन को अलग निकाल सकते हो, एप्पल को अलग निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसा कर सकते हो आप। ठीक है, ऐसे मतलब जिसमें आप कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हो जिस मिक्सर में, उसको हम हेट्रोजीनियस मिक्सर बोलते हैं। ठीक है, सर। फिर हमारा मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट मतलब मोल की डेफिनेशन मैंने आपको बता ही दिया था कि मोल क्या होता है। केमिस्ट्री में हम किसी भी सब्सटेंस को मीजर करते हैं तो उसकी क्वांटिटी को जब मीजर करते हैं उसको हम मोल कॉन्सेप्ट कहते हैं। जैसे कि लेंथ, लेंथ को आप किस चीज में मीजर करते हो, मीटर में। ओके, यस सर। एरिया, एरिया को मीजर करते हो आप मीटर स्क्वायर में। वेट, वेट को मीजर करते हो आप किलोग्राम में। वॉल्यूम, वॉल्यूम को आप लीटर में, फिर मीटर क्यूब में आप उसको मीजर करते हो। अब देखो यहाँ पर यूनिट कन्वर्जन थे कि 1 लीटर में कितने एमएल होते हैं, 1 लीटर में कितने एमएल थाउजेंड होते हैं, 1000। 1 लीटर ठीक में है, 1000 ml। हाँ, तो ये यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि आपके 1 लीटर में 1000
एमएल होते हैं, ठीक है। ऐसी हमारा ये होता है सीसी। सीसी मीन सीसी का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो होता है सेंटीमीटर क्यूब। ये जो लिखा है ना सेंटीमीटर क्यूब, यही हमारा यस सर। सीसी होता है, ठीक है। यही हम शॉर्ट में इसको लिख देते हैं। सेम हमारा प्रेशर, देखो प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, आपको पता होगा फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और एरिया का न्यूटन। यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो इस ये जो बनता है, ये बनता है हमारा पास्कल। ओके, तो जी ये सर। था। अब हम जो प्रेशर है, प्रेशर को केमिस्ट्री में प्रेशर को किस चीज में मेजर करते हैं, प्रेशर को केमिस्ट्री में किस चीज में मेजर करते हैं? सर प्रेशर को केमिस्ट्री में पास्कल। नहीं, वो फिजिक्स में मीटर करते हैं। मैंने आपको बताया था एटीएम में मीटर करते हैं ना। तो 1 ATM इज इक्वल टू कितने, हाउ मेनी पास्कल? वन एक सेकंड, 1.03 × 10⁵। 5 और -5? -5 ओके ओके जी। देन आफ्टर नेक्स्ट यूनिट की हमारी टेम्परेचर। और एक और बताया था मैंने आपको कि 1 ATM अगर यूनिट वार में दी हो, तो प्रेशर को हम वार में भी तो मेजर करते हैं ना। तो 1 ATM इज इक्वल टू 1 bar, ठीक है। ओके, एंड 1 ATM इज इक्वल टू 760 टोर। टोर में भी आपको यूनिट दे सकता है वो, मतलब आपको अच्छा। प्रेशर टोर में दे दिया और उससे आपको एटीएम में आंसर मांग लिया, तो आप क्या करोगे, 760 से डिवाइड कर दोगे, तो आपका आंसर एटीएम में आ जाएगा। ओके ओके, नाउ अब देखो टेम्परेचर था। टेम्परेचर की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो होती है हमारी केल्विन, ठीक है। और हम जो भी मेजर करेंगे केमिस्ट्री में, मोस्टली हम किस में मेजर करेंगे टेम्परेचर को, केल्विन में। अगर हमारा टेम्परेचर, हाँ अगर हमारा टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया हो, तब हमें इसे केल्विन में चेंज करना हो, तो कैसे करोगे आप? आपको टेम्परेचर अगर सेल्सियस में दिया और केल्विन में चेंज करना है, हाँ तो 273 केल्विन ऐड करना होगा। 273 ऐड करेंगे, देख लो एक बार, या माइनस केल्विन माइनस करेंगे, माइनस करेंगे ना, ठीक है। तो अगर तो यहाँ पर हम इसको माइनस कर देंगे, ओके, ये होता है फॉर्मूला। अगर हमको टेम्परेचर क्या है कि हमको फॉरेन हाइट में दिया है और हमको उसको डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे? 1 degree Fahrenheit is equal to 9/5 degree Celsius plus 32 कर देंगे। अगर टेम्परेचर सपोज करो आपको केल्विन में दिया हो एंड आपसे बोला कि फॉरेन हाइट में इसको कन्वर्ट करो, तो कैसे करोगे फिर? तो इसके लिए ऐड करेंगे, इसके लिए क्या ऐड करोगे इसमें? 273 नहीं, हमें टेम्परेचर केल्विन में दिया हुआ है और उसको फॉरेन हाइट में हमको कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए 9/5 degree Celsius ऐड करेंगे। हाँ, देखो सबसे पहले हम टेम्परेचर को क्या करेंगे, केल्विन में है ना, तो इसको सबसे पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सेल्सियस में चेंज करेंगे, सेल्सियस में, ठीक है। और फिर उस सेल्सियस को हम किस में रख देंगे, इस वाले फॉर्मूले में, हाँ ठीक है। इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम कल कर चुके थे, बस रिवाइज कर रहे हैं हम, जी सर। ओके, हाँ। देन आफ्टर मोल्स, हम मोल्स पढ़ रहे थे कि मोल्स, आपको पता होगा मोल्स क्या है। मोल्स है हमारे किसी भी एटम को या किसी भी एलिमेंट्स को मीजर करने की क्वांटिटी को मीजर करना की यूनिट, हाँ, जी ठीक है। मतलब किसी भी सब्सटेंस को की क्वांटिटी को जो मीजर करते हैं, वो किस में करते हैं, मोल्स में करते हैं। मोल्स अब देखो मोल्स, हाँ मोल्स हम निकालते जो है वो निकालते हैं हम इन द टर्म ऑफ क्वांटिटी, या फिर इन द टर्म ऑफ वेट, या फिर इन द टर्म ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम तो हम अगर इन द टर्म ऑफ क्वांटिटी निकालें, तो हमारा 1 mole इज इक्वल टू होता है 6.022 × 10⁻², ठीक है, मोल। इतना होता है, मतलब इतनी क्वांटिटी होती है 1 mole के अंदर।
तो मोल्स निकालने का हमारा फॉर्मूला था क्वांटिटी अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अगर हमारे जो है क्वांटिटी दी हुई हो तो किसी भी सब्सटेंस की, जैसे कि नीचे क्वेश्चंस दिया हुआ है, द क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम एटम इज 12.044 इंटू 10 की पावर 23, देन फाइंड आउट मोल्स। तो मोल्स यहाँ पर मोल्स निकालने का आपने फॉर्मूला लगाया था, तो क्या लगाओगे, क्वांटिटी अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, तो क्वांटिटी आपको दी हुई है, ये आप इसमें पुट करोगे और आपका मोल्स फाइंड आउट हो जाएंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 0.5 मोल ऑफ कैल्शियम आयन इज गिवन एज ए सैंपल, फाइंड आउट कैल्शियम आयन्स, हमें कैल्शियम आयन्स बताने हैं कितना है, मतलब उसकी क्वांटिटी बतानी है, फिर हमको टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने हैं, इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, टोटल चार्ज निकालना है। तो कर लोगे इसको? हाँ सर, ट्राई करेंगे सर। स्क्रीन बिल्कुल ब्लैक। अच्छा हाँ, अब दिख रहे, या नहीं दिख रहा? दिख रहे। उस टाइम ब्लैक हो गया था थोड़ी देर के लिए, ऊपर मतलब से 2 मिनट हाँ। के लिए। तो इस क्वेश्चन को कैसे ट्राई करोगे आप? देखो हमको ये मैं आपको आधा मैंने करा दिया था रात, आपको प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड टोटल चार्ज फाइंड आउट नहीं कराया था। ठीक है, तो आप इसमें फॉर्मूला क्या लगाओगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्वांटिटी अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23। हाँ, मोल्स आपको दिए हुए हैं, कितने मोल्स दिए हुए हैं, 0.5, जीरो इसकी पॉइंट फाइव क्वांटिटी आपको निकालनी है, और 6.022 इंटू 10 की पावर 23, तो ये कितना आ गया था आपका, 3.011 इंटू 10 की पावर 23, इतनी इसकी थ्री थ्री क्वांटिटी आ गई। जी सर। ठीक है, देन आफ्टर, उसके बाद क्या करना है हमको, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने हैं। अब बताओ प्रोटॉन कितने होंगे, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ये आपने कल याद कर लिया? ऐसा कुछ कुछ याद हुआ है, कुछ कुछ नहीं हुआ है। या आपने ट्राई नहीं किया, आई होप। नहीं, ट्राई किया। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 40। एटॉमिक नंबर 40 होता है या एटॉमिक मास 40 होता है, पहले सोच लो एक बार ध्यान से। एटॉमिक मास 20 होता और एटॉमिक नंबर 40। ओ, आई होप यू आर रॉन्ग। अच्छा, एटॉमिक नंबर 40 होगा, उल्टा देखो यहां पर देखो कैल्शियम, याद कर लिया मैंने। हाँ यही ठीक है, एटॉमिक नंबर इसका 20 है और एटॉमिक मास 40 है, ये मैंने आपको, हाँ एटॉमिक मास 40 है इसका। ओके देखो ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद से करना है। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20, और आपको पता होगा कि जितना एटॉमिक नंबर होता है हमारा, ठीक है, एटॉमिक नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं, उतने ही हमारे क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, अच्छा, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, तो 20 इसके प्रोटॉन कितने मतलब होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी वही हो जाएंगे। वही हो जाएंगे ना। तो अब हमको क्या जी निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे निकालोगे आप, टोटल नंबर निकालने। देखो हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन तो निकाल लिए, कितने आए नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे, 20। 20 आए। हाँ, और हमको निकालना है टोटल नंबर, तो इसकी जो क्वांटिटी आई है उस क्वांटिटी से हम इसको, इसके जो प्रोटॉन है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक मल्टीप्लाई कर देंगे। है, तो इसकी क्वांटिटी कितनी आई है हमारी, 3.011 इंटू 10 पावर 23। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 से। ठीक 20 से। है, तो आपका आ जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 24। ठीक है, ये तो आ गए आपके टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, देखो एक न्यूट्रल एटम में, जितने उसका एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसके प्रोटॉन होते हैं, उतने ही उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, लेकिन
यहां पर क्या हुआ कि देखो सी ए प्लस टू है, प्लस साइन कब आता है, जब कोई भी एटम अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, ठीक है। प्लस साइन हमारा जब आएगा, जब हमारा एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, लूज इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर कैल्शियम का अगर एटॉमिक नंबर देखा तो देखा जाए तो कितना है, 20। उसके प्रोटॉन कितने हैं, तो उसके प्रोटॉन जो निकाले हमने, मतलब प्रोटॉन तो 20। 20। ओके, तो उसके हमारे इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए थे, इलेक्ट्रॉन चूंकि वो लूज करता है तो प्लस नहीं 20। देखो ऐसा नहीं, अगर किसी ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, जितने मतलब वो अगर किसी भी एटम पर पॉजिटिव साइन आ गया तो इसका मतलब है उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। लूज कर दिया। अगर किसी पर निगेटिव साइन आया तो इसका मतलब है उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, ठीक गेन कर लिए। है। तो एक न्यूट्रल एटम में जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है ना, उतने ही उसमें प्रोटॉन होते हैं, उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। ठीक है। जितने जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा उतने ही उसके प्रोटॉन होंगे, उतने ही उसके इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर इसका एटॉमिक नंबर 20 है तो इसके इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए थे, 20। लेकिन इसने क्या किया, इस पर प्लस टू साइन आया है, इसका मतलब इसने क्या किया हुआ है, दो इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हैं। लूज किए हुए। तो अब इसका अब इसके इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे यहां पर सी ए प्लस टू के, कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे। 18 क्योंकि उसने ये लूज आपको किए, सम कितने लूज किए उसने, कैसे, दो लूज किए क्योंकि प्लस का साइन है, मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रल में इक्वल होता है तो वो 18 हो जाएगा। -2 कर देंगे क्योंकि दो लूज किए हाँ ना। हाँ दो लूज किए हैं इसने, ठीक है, इसी वजह से का 18 हुआ। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 18 18 आएंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब नहीं, टोटल के लिए फिर इसको इनटू करना होगा कितने से इंटू करना होगा, जितनी सिक्स उसकी पॉइंट क्वांटिटी जीरो होगी, नहीं अच्छा जितनी उसकी क्वांटिटी होगी, क्वांटिटी कितनी है, 3.09 × 10²³। यस सर, कितनी आई थी आपकी क्वांटिटी जब आपने शुरू में निकाली थी, शुरू वाली थी 3.011 × 10²³। वही क्वांटिटी इसकी रहेगी, ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन। तो अब इसके इलेक्ट्रॉन जितने हैं उसको हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसमें लास्ट में पूछा है टोटल नंबर, टोटल चार्ज पूछा है इसने, ओके। अच्छा हाँ, इससे पहले अगर वो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछ ले तो कैसे निकालोगे टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला पता है आपको, न्यूट्रॉन का तो P-E होता ना शायद सर। पी माइनस ई होता है, या एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है, और 40 − 20 एटॉमिक नंबर 20 होता है, जगह 20 तो कितना आ जाएगा इसका, न्यूट्रॉन 20 20। अगर हमें टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हो तो क्या करना पड़ेगा इसको, हाँ, इनटू इनटू वही 3.011 × 10²³। क्वांटिटी, ठीक है, ओके। उसके बाद निकालना है इसका हमको टोटल चार्ज, तो अच्छा टोटल चार्ज कैसे निकालोगे अब, या इसको आगे करते हैं स्पेस। जी सर, एक मिनट,
यहाँ आते हम, इसका टोटल टोटल चार्ज निकालना था अब हमको, ठीक है। ये आपको ब्लैक पेन दिख रहा है इस समय पर, जो ब्लू है, मतलब जो हाँ मैं सर, लिख रहा ब्लैक हूँ, दिख रहा दिख रहा है ना। तो है जी सर। एक हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इन टू द पावर 23 या 19 19, 19 वो भी माइनस के। ओके, तो यहां पर देखो ये चार्ज होता है हमारा इलेक्ट्रॉन का। अब यहां पर इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं? दो किए। दो किए हैं, ठीक है। उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, और अगर देखो इसने लूज किए हैं तो ये रहेगा पॉजिटिव का, अगर इसने गेन किए हैं तो ये आ जाएगा माइनस का। ठीक है, और अब टोटल चार्ज निकालना है। तो ये तो हो गया इसका सिर्फ चार्ज, इस पर चार्ज कितना है, ठीक है। अगर टोटल निकालना है तो इसकी क्वांटिटी से हम मल्टीप्लाई और कर देंगे, अच्छा ठीक है। ये हमारा टोटल चार्ज भी फाइंड आउट हो जाएगा इस तरीके से। देन आफ्टर देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कि हमको मोल दिया हुआ है 0.1 SO4 2- है ये। ओके, तो SO4 2- है ये इस तरीके से। तो ये बताओ यहां पर इसकी क्वांटिटी निकाल लोगे आप सबसे पहले? जी सर, ट्राई करते हैं। ये आपको करना है, देखो आप ये बाद में कर लेना, ठीक है, घर से मतलब सुबह में, या हाँ सुबह में कर लेना, ठीक है। इस तरीके से निकाल लोगे। देन आफ्टर हमको निकालना है टोटल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन टोटल तो इलेक्ट्रॉन वही कैसे वाला निकाल सकते? प्रोसेस हाँ वही निकालोगे, लगा के। सेम पूरा वही प्रोसेस लगेगा, ठीक है। नहीं होता तो ओके हम इसको नेक्स्ट टाइम करा देंगे। और सर चार्ज चार्ज अब देखो यहां पर जो है, यहां पर 2- है, मतलब इसने क्या किया होगा, इसमें दो दो इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं या लूज गेन किए किए हैं? गेन होंगे, गेन किए किए होंगे। हैं, ठीक है। तो इस पर जो चार्ज आएगा वो माइनस आएगा, माइनस टू ओके इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और जो इसकी क्वांटिटी आएगी वो, ठीक है। इसके न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे आप, अगर इसके न्यूट्रॉन निकालने हो? टोटल देखो N4 न्यूट्रॉन है यहाँ पर, ये कैसे निकालोगे न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन निकालने का न्यूट्रॉन फॉर्मूला के होता है लिए कुछ, जी सर, क्या होता एटॉमिक है, मास को एटॉमिक नंबर से माइनस कर देंगे। या एटॉमिक उल्टा तो नहीं बोल दिया आपने ये? एटॉमिक मास को एटॉमिक नंबर से माइनस करेंगे ना। एटॉमिक मास को करेंगे, एटॉमिक नंबर को करेंगे एटॉमिक मास से माइनस? मास को करेंगे एटॉमिक नंबर से। नहीं, कैसे एटॉमिक मास, एटॉमिक हाँ नंबर को मतलब, माइनस, हाँ हाँ वही वही सर, उल्टा बोल रहे हो? ये तो फॉर्मूला रहेगा हाँ ये फॉर्मूला रहेगा, ठीक है, इस तरीके ये से। सर। तो इसका एटॉमिक मास कितना आएगा आपके हिसाब से? ये हो जाएगा सल्फर का SO4 2- का। होता है, मैंने निकाला था सर SO4 2- का, एक सेकंड निकाला था। नहीं SO4 2- का मैंने नहीं निकाला। हाँ कितना होगा आप अगर निकालोगे तो? तो सल्फर का होता, एक सेकेंड, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे आपको, आई होप, शायद जहां जी सर। तक मेरा मानना है। कल सुबह हमारी क्लास है 9 बजे। कितना आएगा SO4 2- का एटॉमिक मास? एटॉमिक मास होगा 95। ओ 94, ओ सॉरी 96। टू कितना होगा माइनस देखो, हाँ नहीं माइनस क्यों होगा अभी, वो तो हाँ अगर हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालेंगे तब होगा ना माइनस। तो 32 अच्छा, प्लस 16, 4 जा 64, 64
तो कितना आ जाएगा? 96 ओके, इतना ही होगा। ओके, अब नेक्स्ट था हमारा, अगर मोल्स हम इन द टर्म ऑफ वेट निकाले तो, ये तो ना नेक्स्ट, तो हमारा क्या था जी मोल्स निकालने का फॉर्मूला? मोल्स इज इक्वल टू वेट ऑफ एटम, जिसको हम गिवन सर। मास बोल रहे थे, अपॉन मोलिक्यूलर मास ऑफ एटम। ठीक है, तो मोलिक्यूलर मास आपको पता है ना कैसे निकालते हैं? मतलब ये हमको याद करने पड़ेंगे मोलिक्यूलर मास। जैसे कि देखो, ये दिया हुआ है, ये स्लाइड मैंने आपको सेंड कर दी थी। जी सर, दिखी थी आपने। ओके, तो हाइड्रोजन का मोलिक्यूलर मास कितना होगा? देखो यहाँ पर लिखे हुए हैं सारी चीजें, 1 मिनट। ओके, हाइड्रोजन देखो, ये एटॉमिक नंबर है स्टार्टिंग में, और ये एटॉमिक मास है। ऐसी ये एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक मास है। ये मैंने आपको लिखवाए थे, हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास भी 1 होता है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 एटॉमिक मास, 4 लिथियम का, 3 7 और एटॉमिक सेवन। मास। ओके, बेरिलियम का 4 एटॉमिक मास, 9 बोरोन का एटॉमिक नंबर, 5 एटॉमिक मास, 11। ये सारे मैंने आपको कल लिखवाए थे, ठीक है। जी क्लोरीन सर। का एटॉमिक नंबर 17 और एटॉमिक मास 35.5, आर्गन 18 40, पोटेशियम 19 39, कैल्शियम 20 40। ओके, यस सर। ये कुछ हमारे कंपाउंड्स थे, जैसे कि अमोनिया। अमोनिया, अब अमोनिया का अगर आपको एटॉमिक मास निकालना हो तो निकाल लोगे आप? अब अमोनिया सर NH3 हुआ ना। हाँ, नाइट्रोजन का कितना था एटॉमिक मास? नाइट्रोजन का वी हैड 14, 14। ओके, हाइड्रोजन का 17 हो जाएगा, मतलब टोटल। या। ओके, ऐसी बेंजीन का, बेंजीन का तो आपने कल निकाल ही लिया था कितना आ रहा था, 78 आ रहा था ना। ओके, तो इसी तरीके से इन सबके आप याद कर सकते हो, और जो मैंने इम्पोर्टेंट थे वो आपको लिखवा भी दिए थे सारे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो था यहाँ पर, हम जो निकाल रहे थे कि मोल्स निकाल रहे थे हम यहाँ पर, ठीक है, गिवन मास अपॉन मोलिक्यूलर मास। ये हाँ, जैसे कि आपको अगर सपोज करो कि मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था कि 0.17, ये अलग क्वेश्चन है, चलो 0.17 ग्राम NH3 अमोनिया डिजोल्व इन वाटर, देन फाइंड आउट मोल ऑफ अमोनिया। निकाल लोगे फाइंड इसको? आउट। यस सर। कितने होंगे? हो जाएगा 0.1। एक बार देख लो, 0.1 होगा या 0.01 0.01, होगा, 0.01, यस सर। ठीक है। इस तरीके से आपको ही निकालने थे ये आपका, और लास्ट में मैंने आपको मोल्स निकलवाए थे किसके टर्म में? वॉल्यूम के टर्म में, ठीक है। तो उसमें क्या करना था आपको? 22.4 से डिवाइड करना था, डिवाइड करना था। मतलब मोल्स इज इक्वल टू जो भी आपको वॉल्यूम दिया होगा उसको हम 22.4 से डिवाइड कर देंगे। यही था ना, ओके अगर जी लीटर में सर। निकालना हो, और अगर हमको एमएल में निकालना हो तब? तो वो चेंज हो जाएगा मिली लीटर में, नीचे वाला हाँ, टू कितना टू फोर आएगा? जीरो जीरो 400 मिली लीटर। ओके, इस तरीके से निकालना था। यस सर। ये जो वॉल्यूम निकालना होगा हमको, इसकी कुछ कंडीशंस बताई थी मैंने आपको। हाँ सर, हाँ, तो क्या बताई थी, याद कंडीशंस है? हाँ, एसटीपी पे निकलेगा वो, स्टैंडर्ड ठीक टाइम है, और प्रेशर केस में, और गैसीय स्टेट में ही एप्लीकेबल हाँ रहेगा। ये थी। ओके, गुड। नेक्स्ट अब हम करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस।
ये देखो हमारे पास 5 लॉज थे जो हमको मिले थे। ये सारे के सारे लॉज जो थे अप्रोक्स 17th सेंचुरी में आए थे। ओके एक मिनट। आपको ये मतलब समझ आ रहा है ना इतना थोड़ा बहुत तो? जी सर, तो थोड़ा बहुत नहीं सब समझ में आ रहा है। नहीं एक्चुअल में देखो आपको वैसे भी प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस करे तो ऐसा हो आपको थोड़ा प्रॉब्लम भी आएगा। ओके ओके ठीक है। तो ये हमारे 5 लॉज थे जब हम क्या कर रहे थे, कोई भी केमिकल सब्सटेंस को फॉर्म कर रहे थे, मतलब रिएक्टेंट था हमारे पास। जैसे कि सपोज करो ये हमारे पास N2 है, मतलब नाइट्रोजन गैस, ठीक है, और ये हमारा हाइड्रोजन गैस से रिएक्शंस करके अमोनिया बना रहा है, ठीक है। तो इनके लिए जो थे ना कुछ लॉज लगे थे, तो वो हमारे उन लॉज को हमने केमिकल लॉज बोला था। ये हमारे 5 लॉज थे। फर्स्ट था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, थर्ड था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, फोर्थ था गे लुसैक लॉ एंड फिफ्थ था अवोगाड्रो लॉ। ओके तो ये हमको 5 के 5 रीड करने हैं। तो तो सर एक मिनट, ये हमारे स्क्रीन पे दिखना बंद होगी। तो हम इनको आपको वॉइस क्लियर आ रहा है ना? जी सर, ओके तो हमको इनको हर एक लॉ को यहाँ पर रीड करना है, ठीक है। तो ये लोग बहुत पहले दिए हुए थे, अप्रोक्स 17th सेंचुरी में ये लॉ हमको मिले थे, मतलब बहुत पुराने लॉ है, तो ये फेल भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये अप्लीकेबल रहेंगे अभी भी। ओके तो सबसे पहला लॉ था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास आपने कभी पढ़ा होगा, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन जी ऑफ सर, मास पढ़ा है ना, कि पढ़ा जी सर, बिल्कुल मास आइदर बी क्रिएटेड नोर डेस्ट्रॉयड इन ए केमिकल बिल्कुल रिएक्शन। ओके तो ये जो दिया था हमको एंटोनी लेवोसियर ने दिया था, देखो ये 1789 में दिया था, मतलब ये 17th सेंचुरी में ही था ये भी सारे के सारे। तो इन्होंने बोला था कि हम जो है मास के रिएक्टेंट, वो जो मास हमारा रिएक्टेंट का होगा वही हमारा प्रोडक्ट का होगा, ठीक है। तो जैसे कि हमारा सपोज करो एक रिएक्शन से हमारी कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2, ठीक है। ये हमारा कार्बन है, ये हमारा ऑक्सीजन है, और इन्होंने एक नया प्रोडक्ट बनाया जिसमें वो बना है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। जी सर, कार्बन तो कार्बन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? बारह 12। ओके ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, मतलब कितने थर्टी ऑक्सीजन है टू हो यहाँ जाएगा पर? इसमें, 32 थर्टी हो टू हो जाएगा। जाएगा, तो ये टोटल कितना हो गया? 16 प्लस 32 44। 44। तो इन्होंने बोला था जितना मास हमारा रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास किसका होना चाहिए, प्रोडक्ट का। हाँ अगर ऐसा हुआ तो ये हमारे लिए सही है, मतलब कोई भी रिएक्शंस होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो यहाँ पर जो ये नहीं कार्बन डाइऑक्साइड है इसका मॉलिक्यूलर मास कितना बनेगा? कार्बन का कितना होता है? 14 होगी, प्लस प्लस 12 16 into 2, 2 into, हाँ तो कितना आ जाएगा ये भी? तो ये भी 44 आ जाएगा। जितना हमारा रिएक्टेंट का मॉलिक्यूलर मास है उतना ही हमारा प्रोडक्ट का है। हाँ सर, तो क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमारा फुलफिल हो रहा है? जी सर, ठीक है ओके। नेक्स्ट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। इससे पहले हमारा एक न्यूमेरिकल था, चलो इसको मैं बाद में करा देता हूँ, पर ये आपको कराना पड़ेगा, आपको तभी समझ आएगा। एक मिनट अच्छा। रुकना, यहाँ पर स्पेस है, चलो यहीं पर कर लेते हैं। तो देखो हमारा एक न्यूमेरिकल है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि 1.5 ग्राम इथेन। इथेन का फॉर्मूला पता है आपको?
क्या होगा? इथेन का, हाँ सर, इथेन का होता, उसमें C2H6 होता वो। हाँ, C2H6। ओके, ये हमारा कंप्लीट कंबक्शन हो रहा है इसका। कंबक्शन का मीन्स होता है जल रहा है अच्छे तरीके से। तो अच्छा हमारा कितना है, 1.5 ग्राम, और ये हमको जो दे रहा है वो दे रहा है 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एंड 2.7 ग्राम वाटर। अब देखो, इथेन है, इथेन कंबक्शन हो रहा है मतलब जल रहेगा, तो किसकी प्रेजेंस में जलेगा ये? हीट, एयर, और हाँ, तो एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है ना कुछ भी। यस सर, ओके, ये तो है ना, कि अगर हमको अपना गैस भी जलाना है ना चाय बनाने के लिए, अगर वहां पर ऑक्सीजन नहीं होगा तो क्या वो जल पाएगा? नहीं सर, तो है भी थोड़ी, नहीं चल पाएगा। नहीं जल पाएगा, ठीक है। तो हर एक को जलाने के लिए हमें जो है ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ओके, फिर देखो, जो हमारा इथेन है, C2H6, ठीक है, ये किसकी प्रेजेंस में जल रहा है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और ये दे क्या रहा है यहाँ पर आपको, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देखो, ये वाटर, जो है इथेन हमारा, ये एक नेचुरल गैस है, और नेचुरल गैस जब भी बर्न होगा ना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कोई सा भी हो, यहाँ पर इथेन है, आपका मिथेन होगा मिथेन भी, आपका प्रोपेन होगा प्रोपेन, ब्यूटेन होगा ब्यूटेन, सारे के सारे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ही देंगे, ठीक है। तो हमें ये रिएक्शन बैलेंस करनी है। आप किस तरीके से बैलेंस करोगे इसको? देखो, यहाँ पर कार्बन कितने हैं तो और यहाँ पर कितने हैं, एक एक ही है, तो हमको इसको बैलेंस करना है। मतलब जितने हमारे लेफ्ट हैंड साइड होंगे ना एटम्स, उतने ही हमारे राइट हैंड साइड होने चाहिए, राइट हैंड साइड में भी होंगे। हाँ ठीक है, इतने ही होंगे। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर इसको 2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2CO2, ठीक है। और फिर हमारा जो है ऑक्सीजन इधर कितना है अभी, 2, टू और है, इधर हाँ कितने होंगे फिर, 4, फोर और हो गए। एक ये भी है 5। तो क्या ये रिएक्शन हाँ बैलेंस होगी अभी भी? नहीं होगी। तो नहीं अगर होगी। हम यहाँ पर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो अब बताओ कार्बन कितने हो गए, 2 2 जा 4, कार्बन कितने हो गए यहाँ पर, 4, इधर भी फोर, इधर भी फोर। 4 हो गए, कंप्लीट हो गई। उसके बाद हाइड्रोजन देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 6, हाँ 6 2 जा 12। देखो, जो शुरू में होता है ना, ट्वेल्व, इसको स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं, तो इसको पूरे कंपाउंड से मल्टीप्लाई होगी, मतलब ये इसके पूरे के मल्टीप्लाई में है यहाँ पर। हाँ ओके, तो ये आपके हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 6 2 जा 12, इधर हम लोग 6 लगा देंगे। इधर हम लोग 6 लगा देंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन भी कंप्लीट हो गए हमारे और कार्बन भी कंप्लीट हो गए। अब बचा क्या, ओनली अब ऑक्सीजन। बचा ऑक्सीजन बचा। ऑक्सीजन देखो, अब ऑक्सीजन देखो, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, सिर्फ ओनली 2। यहाँ पे तो बस 2 हाँ, यहाँ पर कितने हो गए, 4 2 जा 8, है, 8, 8, 8 और 6, 13। सिक्स ये भी तो है ना, ये वाले भी तो ऐड होंगे, तो कितने हो गए टोटल हमारे, ये 4 2 जा 8, 8 एंड 6 14, और इधर कितने तो हमारे, तो अगर इसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितने हो जाएंगे, 7 2 जा 14। 14 जी सर, अब ये कह रहा है हमको कि हमको जो इथेन है, इथेन कितनी है हमारे पास, इथेन है 1.5 ग्राम, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिल रहा है हमको, 44, नहीं टू 4.4, पॉइंट दो सॉरी। सॉरी 4.4 ग्राम, हाँ, और कार्बन और डाइऑक्साइड कितना एक मिल रहा है हमको, वो सॉरी वाटर कितना मिल रहा है हमको, 2.7 सेवन। ग्राम। और हमको ये बताना है कि ये जो आपका हुआ है ना, ये प्रोसेस, ये जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना चाहिए, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को कैसे फॉलो करेगा ये, कि जितना इसका मास होगा उतना ही क्या इन टोटल का मास होना चाहिए ना,
जी सर, जितना मास हमारा रिएक्टेंट का होगा उतना ही प्रोडक्ट का होना चाहिए ना। ट्रू। ओके, यस सर। तो सबसे पहले क्या करेंगे हैं? हमें इथेन के मोल्स निकालेंगे हम। तो मोल से अच्छा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? इथेन के मोल्स निकालेंगे हम सबसे पहले। तो मोल से अच्छा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ इथेन तो कैलकुलेट कर लेंगे अगर डायरेक्ट। हाँ, तो सर इसको मोल्स निकालना होगा ना, तो ये हो जाएगा 2 1 2 प्लस 1 6। नहीं, पहले मोल्स निकालने का फॉर्मूला बताओ हमको, उसके बाद कैलकुलेट करना। ऐड कर देंगे ना सर, जो पुराने वाले में किए थे वैसे ही करेंगे। वो तो ठीक है आपका बात, लेकिन हमको अभी पता नहीं ना, हमको इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले हमको इसका मास ही तो मास निकालना पड़ेगा ना। मास हाँ, निकालने के तो बाद जो तभी तो गिवन बड़ी वेट जल्दी दिया हुआ है डिवाइड कर देंगे, जो तब कहाँ जो गिवन वेट ऑक्सीजन दिया है का कहाँ उसको गिवन मोलर है? मास से। हाँ नहीं, हाँ ऑक्सीजन का तो मास नहीं दिया हुआ ना, तो पहले तो ऑक्सीजन का मास फाइंड आउट करेंगे ना हम। हाँ उसके बाद डिवाइड करेंगे। हाँ, तो यहाँ पर सबसे पहले इथेन का मास हमको गिवन है ना कितना, ठीक है? तो इथेन का मास गिवन है, देन आफ्टर मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास वही मोलर मास, ठीक है? तो इथेन का हमको मास कितना गिवन है? इथेन का मास दिया हुआ है 1.5, हाँ, और इसका मोलर मास कितना होता है इथेन का? 30। हाँ कंफर्म जी, देख लो, गलत तो नहीं है, एक बार चेक कर लो। नहीं ओके, देन आफ्टर कितना आ जाएगा आपका? ये हो जाएगा 200, 1/20। तो डेसिमल तो है ना सर। डेसिमल है ना, तो 1.5 है ना हाँ ये, तो वन पॉइंट हाँ फाइव को अगर हम इसका पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो नीचे चला जाएगा ना, तो हाँ तो ये 1/20 हो ये जाएगा। 15/300 बचेगा ना। तो हाँ जी 15 15 2 30, और 30 जी ये 2 आ गया और वो और 0 जीरो बच गया, गया। ऐसे 1/20 आ हाँ गया ना। ये हाँ क्या आ गया? मोल्स आ गए हमारे किसके? इथेन के। ओके, तो अगर हम देखो यहां पर हम इथेन के 2 मोल्स यूज कर रहे थे, तो हम ऑक्सीजन के कितने मोल्स यूज कर रहे थे? कितने मोल यूज कर रहे हैं हम ऑक्सीजन के? देखो ऑक्सीजन के अगर हम इथेन कितना यूज कर रहे हैं इथेन के तो हम मतलब टू मोल कि यूज कर रहे हैं ना, तो ऑक्सीजन के हाँ कितने मोल हाँ यूज कर रहे हैं? ऑक्सीजन का हो जाएगा 14। नहीं, मोल्स देखो, मोल्स देखो, ये रिएक्शन बैलेंस किया है ना हमने, हाँ तो जी, कितने मोल्स हैं? कितने से मल्टीप्लाई किया था हमने ऑक्सीजन को? 7 से किया था तो 7 मतलब। 7 मतलब। ओके, तो मैं इसको यहां से आगे लेके चलते हैं, यहाँ पर भी स्पेस नहीं, यहाँ पर स्पेस है। तो अगर हमने 2 मोल्स यूज किए थे इथेन के C2H6 के, तो हमने यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने मोल्स यूज किए हैं? 7। हाँ अगर हमें इसका 1 मोल यूज करना हो इथेन का, तो हम ऑक्सीजन के कितने मोल यूज करेंगे? 7/2। 7/2, ठीक है। देन आफ्टर उसके बाद हम क्या निकालेंगे? देखो, अब हमें ऑक्सीजन के मोल्स पता चल गए ना, हाँ जी तो जी सर, मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? वही ऑक्सीजन का गिव मोल्स निकालना हो तो वही कर देंगे, गिवन बाय बाय मोलर मास। मोलर मास। मोल्स कितने गिवन है हमको इसके? 7.7/2 ये हाँ जी, निकाले हैं देखो हमने, और इसका हाँ गिवन निकाला। मास हमको, गिवन मास हमको फाइंड आउट करना है ना। मोलर हाँ ये तो फाइंड आउट मास कितना करना हो जाएगा ऑक्सीजन का? कंफर्म? है। 32। हाँ, हाँ क्योंकि O2 रहता है ना। ठीक है। एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। तो गिवन मास यहां से कितना आ जाएगा हमारा?
जाएगा 112। 16 7 जा, 112। इतने को आएगा? अयो हाँ सर। ठीक है, मोल्स इतने हैं। अरे 1 मिनट, हम यहाँ पर इसका ये 7.2 इतना लगा दिया, गिवन मास इतना लगा दिया, मॉलिक्यूलर मास इतना लगा दिया। ओके 1/20 आया था ना हमारा इसका मोलर मास, वो सॉरी हाँ 1 मिनट, नंबर ऑफ मोल्स इथेन के कितने आए थे? 1/20 आए थे ना इथेन के मोल्स। 1 मिनट, बाय 20 आए थे। हाँ ये रहा 1/20 आया था ना इथेन का मोल्स हमारे। ठीक हाँ है, तो हमने क्या करना है अभी, एक का वो रह गया सर, हमारा। 120 आया था तो वही हाँ वो बैठाना किसके था क्या? मोल्स आए थे? वो मोल्स किसके आए थे? हमारे इथेन के आए थे ना। इथेन के आए थे। हाँ तो इथेन के हम अगर 2 मोल्स यूज कर रहे थे तब तब उसका, और यहाँ पर हम ऑक्सीजन के कितने मोल यूज कर रहे थे? 7। तो इथेन का अगर हम 1 मोल यूज करेंगे तो ऑक्सीजन के कितना मोल यूज करेंगे हम? 7/2। कैसे? देखो हम अगर इथेन के 2 मोल्स यूज कर रहे हैं ना, ऊपर मैं रिएक्शन से लिख देता हूँ एक बार। हमारी रिएक्शन है C6H, वो सॉरी C2H6, ओके प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2। हेलो, आई हैव लॉस्ट नेटवर्क। हेलो, यस सर, सॉरी सर, गलती से लेफ्ट हो गया था। ओके नो प्रॉब्लम। तो हम ये बोल रहे थे कि हमने क्या किया, इसका रिएक्शंस लिख रहे थे हम। तो हमने इथेन लिया, इथेन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो C2H6 होता है ना। हाँ तो इसको हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया, तब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बन रहा था। हाँ तो हमने क्या किया था, इस रिएक्शंस को सबसे पहले क्या किया था, बैलेंस किया था ना। हाँ पहले बैलेंस किया फर्स्ट प्रोसेस। तो ये आई थी हमारी रिएक्शन, फाइनल रिएक्शन। तो हम कह रहे थे कि यहाँ पर जो है इथेन के हमने कितने मोल यूज किए हुए हैं, मोल सात और हम ऑक्सीजन के कितने मोल यूज कर रहे हैं? 7। 7। ओके 2 मोल्स ऑफ इथेन इक्वल टू 7 मोल्स ऑफ इथेन। अगर हम 1 मोल इथेन का यूज करें तो ऑक्सीजन के कितने मोल यूज करेंगे हम? 7/2। हाँ 7/2। अब 1 मोल इथेन का हम यूज कर रहे थे तो उसके इथेन के मोल्स आए कितने थे हमारे? 1/20 आए थे ना। जी सर। तो अब इस 1 मोल की जगह हमको यहाँ पर 1/20 रखेंगे। 1/20 इज इक्वल टू 7.2 into मोल ऑफ ऑक्सीजन होगा, मोल ऑफ अच्छा ऑक्सीजन। ठीक है, ये वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पर कि ऑक्सीजन यहाँ पर हमने इथेन के कितने मोल्स यूज किए। तो अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इधर जाएगा ये, तो ये आपका ऊपर चला जाएगा और ये आपका नीचे आ जाएगा। हाँ ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 7/10 आएगा ना। हाँ 20/20 × 7/1 7/1 हो जाएगा ना सर। हाँ, 7/10 सॉरी। 7/10 आएगा ट्वेंटी ना। ठीक है, तो मिल ये तो आ गए हमारे ऑक्सीजन के मोल। जाएगा। हाँ ओके देन आफ्टर, अब यहाँ पर क्या निकालना है हमको, मोल आगे इसके 7/10, सॉरी ये जो पहले 7/ तो अब इसका गिवन मास निकाल लेंगे हम यहाँ से। हाँ ठीक है, तो ये इधर चला जाएगा गिवन मास, तो ये 7 into 32 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा। ओके
ये कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम्स, और ये 16 टाइम्स, तो 67 जा कितने होते हैं हमारा, 16 112 80 एंड 32 100 18 एंड 32 112 डिवाइड बाय 5, ठीक है, ये कितना आएगा अप्रोक्स, 22.5, ओके ये इतना आएगा हमारा, तो ये किसका मास आ गया हमारा, ऑक्सीजन का। ओके यहाँ पर हमें ऑक्सीजन का मास नहीं पता था ना, हाँ, तो ये कितना आ गया हमारा, 22.5। ये 22.4 आएगा, 22.4 आएगा, ये 22.4 मतलब जब आप इसको डिवाइड कर रहे हो ना, यहाँ पर 112 को डिवाइड कर रहे हो ना जब 5 से, तो 22.4 आएगा। yes, इसको आप अगर सही से डिवाइड करोगे, देखो 5 2 जा यहाँ पर, 5 2 10 बचा कितना, 1 5 2 जा 10, फिर बचे कितना 2, तो 2 के आगे हमने पॉइंट लगा लिया, 0 बढ़ाया, तो 22.4 आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, ये आ गया हमारा किसका मास आ गया, ये हमारा ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर निकाल लेते हैं इसको। नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, ये हमारा सेकंड लॉ है, हमारे 5 लॉ है ना यहाँ पर, तो ये सेकंड लॉ ये है। तो इसका मतलब डेफिनेट प्रोपोर्शंस का मतलब ये है कि देखो, जैसे कि मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, जैसे कि आपने क्या किया, पॉन्ड वाटर लिया, पॉन्ड वाटर एक लिया आपने, टैप वाटर अपने घर से ही आपने ले लिया, ठीक है, एक लिया आपने, टैप वाटर हो गया, पॉन्ड वाटर हो गया, दूसरा ले लो आप, और कौन कौन सा होता है, रिवर का ले लो, चलो रिवर वाटर या सी वाटर, ठीक है। तो अब देखो पॉन्ड वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, वाटर का फॉर्मूला जो इसका होगा वही इसका होगा, जो इसका होगा वही इसका होगा। तो इनका कहने का मतलब यू है कि जो इनका रेशियो होगा ना, यहाँ पर अगर इनका हम मास रेशियो निकाले तो कितना आएगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना आएगा यहाँ पर, 2:16 हो जाएगा, मतलब इनका जो हम रेशियो निकालते हैं ना वो हमारा डेफिनेट रहता है, मतलब सेम रहता है, हम कहीं से भी कंपोनेंट्स को उठा ले, ठीक है। तो जैसे कि हमने पॉन्ड वाटर लिया, तो उसमें इसका जो रेशियो आएगा 2:16 मतलब 1:8 आएगा, यहाँ पर टैप वाटर लो तो इनका रेशियो भी कितना आएगा, 1:8 आएगा, यहाँ पर इसका भी कितना आएगा, 1:8, मतलब इनका जो प्रोपोर्शन है वो डेफिनेट है, मतलब 1:8 ही रहेगा, यहाँ पर इसका भी 1:8 रहेगा और यहाँ पर भी इसका 1:8 रहेगा, ऐसा नहीं है कि ये चेंज हो जाएगा। ओके ये बोला था हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ने। अब देखो इस पर हम एक क्वेश्चन है हमारा, देखो क्वेश्चन है हमारा कि एक एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि हमने क्या किया, 20.243 ग्राम मैग्नीशियम को हमने वर्म किया। अभी वर्म मैग्नीशियम वर्म किसकी प्रेजेंस में होगा, एयर की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है। और इसने हमको जो दिया है वो दिया है मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो दिया है इसने हमको 0.4030 ग्राम, ठीक है, ये हमने इसने हमको दिया है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये बताओ कि इसमें जो ऑक्सीजन लेंगे वो हम कितना लेंगे, ऑक्सीजन इसमें कितना लेंगे, जितना ऑक्सीजन का ये रहता है एक, मतलब नहीं
कि कितना ग्राम ऑक्सीजन लेंगे, कितने ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी अगर हमको इतना मैग्नीशियम वर्म करना हो तो, हाँ, कितना उसका लेंगे? जो 32 ग्राम ही होएगा ना। नहीं वो तो उसका मॉलिक्यूलर मास होता है ना। देखो हाँ मॉलिक्यूलर मास और गिवन मास मतलब वेट में डिफरेंस होता है, जी, ठीक है? तो इसका हम ऑक्सीजन का यहाँ पर मास कितना लेंगे ये पता नहीं करना है। पता सर। अच्छा देखो इसका आपने कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन लॉ पढ़ लिया, क्या हाँ, पढ़ा है उसमें आपने? उसमें था कि जितना लेफ्ट साइड का प्रोपोर्शन होगा उतना राइट साइड का भी सेम ही होगा। ठीक है सेम होगा ना। अब यहाँ पर जो है राइट हैंड का कितना है? राइट का है 0.4030। ठीक है तो लेफ्ट का हाँ जो होगा जितना ये होगा उतना ये होना चाहिए था हाँ ट्रू। ना, तो 0.243+। इसका हमको पता है ऑक्सीजन का नहीं पता, ये फाइंड आउट करना है। तो ये किसके इक्वल होगा जितना राइट हैंड साइड का होगा। अच्छा तो यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालना हो मतलब इसका वेट निकालना हो तो क्या कर देंगे हम, 0.4030 में से थ्री इसको जीरो माइनस से कर माइनस देंगे कर 0.243। टू ठीक है तो फोर ये थ्री कितना आ जाएगा हमारा ये हो अप्रोक्स जाएगा 0.1600। हाँ, हाँ 16 160 ही हो जाएगा। इतना हो जाएगा। तो ये तो उन्होंने देखा कि एक एक्सपेरिमेंट तो मैं तो ये आ रहा है, दूसरा हाँ एक्सपेरिमेंट करा उन्होंने। उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर 0.182 मैग्नीशियम को अब वर्म किया उन्होंने किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और उनको क्या मिला 0.3 0.02 ग्राम, 0.02 ग्राम MgO मिला। ठीक है तो यहां पर ऑक्सीजन का वेट कितना होगा? यहाँ पे ऑक्सीजन का वेट क्या होगा, उसको भी सेम प्रोसेस से कैलकुलेट हाँ करेंगे। सेम प्रोसेस से कितना आएगा ये आएगा हो जाएगा। 0.120। हाँ ठीक है इतना आ गया। अब ये कह रहा था कि जो इनका रेशियो है ना वो सेम होना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पर इसका रेशियो निकालें, अगर हम रिएक्टेंट का रेशियो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रेशियो निकालें, हम पहले सबसे पहले वाले के लिए निकाल रहे हैं वाले के लिए जो हमने नीचे निकाला है, तो उसका रेशियो क्या आएगा हमारा? मैग्नीशियम कितना आ रहा था हमारा, मैग्नीशियम कितना गिवन था, चलो ये बताओ। मैग्नीशियम गिवन कितना गिवन था, कितने ग्राम हम वर्न है मैग्नीशियम, कितने ग्राम मैग्नीशियम हम वर्न कर रहे थे? हम लोग 0.182 को बर्न कर रहे थे, तो नहीं वो जाके तो जब वो सेकंड, मैग्नीशियम, वो तो हम अच्छा हम सेकंड, फर्स्ट पूछ रहे, फर्स्ट हाँ पूछ फर्स्ट रहे हैं जी 0.243 ग्राम। ओके। और ऑक्सीजन कितना ले रहे थे हम, मतलब कितनी ऑक्सीजन की नीड थी हमको इतना मैग्नीशियम वर्न करने के लिए? 16। ये 0.16। हाँ सर, 0.16, 0.16। अगर हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रेशियो निकाले तो ये कितना आएगा, 0.243/0.1600, इतना ही था ना। जी सर। ये कितना आएगा अगर हम इसको डिवाइड करेंगे ना, तो ये 1.51 आएगा। ओके अच्छा अगर अब हम सेकंड वाले एक्सपेरिमेंट के लिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रेशियो निकालें तो वो कितना आएगा, कितना मैग्नीशियम लिया था हमने यहाँ पर सेकंड वाले में, 0.182 और ऑक्सीजन कितना? हो जाएगा, 0.012। 0.012 आएगा या 0.12 आ रहा है? 0.12 तो 0.182 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 0.12 से। ये कितना आएगा, जी, ये भी जितना आपका ये आ रहा है ना 0.1 सेम। सेम आएगा, ठीक है अच्छा 1.51। अगर ये दोनों सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहे हैं, अगर सेम नहीं आएंगे तो ये फॉलो नहीं करेंगे। जी ओके सर।
तो यही है डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब। तो एक क्वेश्चन है हमारा इससे अलावा, अगर हमारे पास कोई ब्लैंक है तो मैं देखता हूँ एक मिनट। हाँ ये ब्लैंक पेज है, देखो ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है अच्छा जो मैं आपको करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है कि उन्होंने क्या किया था। आपको एक तरफ नाइट्रोजन दिया हुआ है, एक तरफ उन्होंने ऑक्सीजन दिया हुआ है, ठीक है। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार लास्ट में, पहले ये रहा मेरे नेटवर्क। ये द फॉलोइंग डाटा इज ऑब्टेन्ड व्हेन डाई नाइट्रोजन एंड डाई ऑक्सीजन रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड। ओके, ये नाइट्रोजन का मास दिया हुआ है और ये डाइऑक्सीजन का मास दिया हुआ है। तो हमको पहले तो ये बताना है विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज ओवेड बाय द अबव एक्सपेरिमेंट। ये आया तो हुआ ब्लैंक है, दिख रहा है, कुछ दिख ब्लैंक दिख नहीं रहा है रहा। आपको, एक मिनट हाँ रुको। एक सेकेंड। एक मिनट, अब देखना ब्लैंक दिख रहा है अभी, हाँ ब्लैंक है अभी भी। जी सर। एक मिनट मेरे को दोबारा करना पड़ेगा शायद इसको। नाउ यस सर। दिख रहा है अब। हाँ ओके तो ये क्वेश्चंस आया था नीट में, तो ये अच्छा थोड़ा मतलब अलग तरीके से है यहाँ पर। तो इसमें आपको सर, एक ये मास वाली क्वेश्चन आप भेज दीजिएगा ना, मतलब या देखो अभी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस है नीट के, तो जैसे चैप्टर फिनिश होगा मतलब सारे PYQ जितने भी है ना सारे के सारे हैं मेरे पास, जितने भी होंगे मैं आपको सारे लास्ट में सोल्व करा दूंगा। अप्रोक्स ये ऐसे बैठेंगे 60 to 70 क्वेश्चंस है हाँ जो नीट के हैं, मैं आपको सारे सोल्व करा दूंगा लास्ट में। ओके नाउ तो ये क्वेश्चंस आपको दिया हुआ है, इसमें पूछा गया है कि इसमें कौन सा आपका केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ ओवे करेगा। हाँ तो हमारा क्या होना चाहिए था कि हम कैसे बताएंगे कि इसमें कौन सा हमारा जो लो है वो लगेगा। हमारा जो होगा कि जितना मास हमारा नाइट्रोजन का यूज होगा उतना ही मास अगर डाई नाइट्रोजन का यूज होता है तो हमारा मल्टीपल प्रोपोर्शन लगेगा, मतलब जो रेशियो ये आएगा वही रेशियो ये आना चाहिए, वही रेशियो ये आना चाहिए, वही रेशियो ये आना चाहिए फोर्थ का। तो क्या कौन सा लगेगा लगा सकते हो आप इसमें। चलो पहला क्वेश्चन एक और इससे अलावा है, तो यस देखो पहले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं हम। उससे पहले इसमें ये जो थे प्राउस्ट, सर प्राउस्ट, इन्होंने ये लो हमको दिया था, ठीक है। तो इन्होंने अच्छा देखो यहाँ पर दो सैंपल लिए हुए हैं क्यूप्रिक कार्बोनेट के, तो उन्होंने एक अच्छा तो लिया है नेचुरल और एक लिया है सिंथेटिक, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ नेक्स्ट पेज पर है, ठीक है। अच्छा ये एक नेचुरल सैंपल है, एक सिंथेटिक सैंपल है आपका। तो इन्होंने क्या किया, कॉपर ऑक्सीजन और कार्बन इन तीनों का रेशियो लिया हुआ है, तो क्या होगा इनका जो रेशियो है वो देखो सेम आ रहा होगा सब में सेम, मतलब जितना कॉपर का फर्स्ट नेचुरल सैंपल में है उतना ही सिंथेटिक में है, जितना परसेंटेज ऑक्सीजन का नेचुरल में है उतना ही सिंथेटिक में है, जितना कार्बन का है उतना ही नेचुरल में है उतना ही हमारा सिंथेटिक में है। ओके हाँ तो एक क्वेश्चन है हमारा कि हमारा पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मास दिया हुआ है, ये नाइट्रोजन ये ऑक्सीजन है, तो इससे हमारा कंपाउंड बन रहा है यहाँ पर। तो नाइट्रोजन का मास कितना होता है, 17, 23, नाइट्रोजन का 23, मूल मास नाइट्रोजन का। एक सेकेंड सर, नाइट्रोजन का मास हो जाएगा 14। 40 और 14,
14 14 14, ऑक्सीजन का 16 16, ठीक है। तो इन्होंने जो है कंपाउंड बनाने हैं अभी, ठीक है, अच्छा और फिर उन यहाँ पर मास, ओके ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने कंपाउंड बनाया पहला N2O, ये कंपाउंड बनाया जिसमें नाइट्रोजन का जो मास है वो कितना यूज होगा अगर ये कंपाउंड बनेगा तो, इसका नहीं यूज होगा कितना सर, कंपाउंड बनेगा तो 14 × 2 प्लस 16। ये मेरे पेंसिल क्यों नहीं चल रहा होगा, सब कुछ ओके है, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, एक मिनट में देख लेता हूँ, मेरा लैपटॉप भी सही है, चार्ज है, बट व्हाट हैपेंड टुडे आई डोंट नो, ये हो गया ठीक है। ओके ये हमारा पेंसिल नहीं चल रहा। यहां पर ना इन्होंने क्या किया था कि ये आपको दिया था एक तरफ वेट और कंपाउंड बनाए थे, ये चल नहीं रहा मेरा, पता नहीं राइटिंग पैड को आज पता नहीं नेटवर्क नहीं आ रहा है या क्या हो रहा है, एक दिन क्लास अच्छा चल रहा है एक दिन नहीं चल रहा। देखो ये है हमारा एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि नाइट्रोजन का जो मास है 14 है, यहाँ पर 16 है, ओके इधर यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 32 है, यहाँ पर 28 है, यहाँ पर 32 है, यहाँ पर 28 है, यहाँ पर 80 है। तो यहाँ पर एक तो इसमें पूछा है कि कौन सा केमिकल लो आपका लगेगा, ठीक अच्छा है, ये चल जाए यार तो कुछ हो जाए। स्क्रीन पे लिखना पड़ता है। अच्छा नहीं राइटिंग पैड होता है उसके थ्रू होता है ये सारा, मेरे पास अगर मेरे पास एक्चुअली जो है टच लैपटॉप नहीं है, अदरवाइज उससे भी आसानी से लिखा जाता है टच लैपटॉप पर भी। ठीक मैं इसको दोबारा से करके देखता हूँ क्लियर ऑल, ओके नाउ मेबी इट कैन बी नो भाई, बट भाई हमारा पेंसिल दिक्कत कर रहा है आज, और हम अभी लेकर आए हैं इसको उठाकर। कोई एक तो डिजिटल पेन है ये, तो देखो फिलहाल देख लो ये चले चल नहीं रहा पता नहीं क्यों, ओके नाउ स्टार्ट। देखो तो यहाँ पर नाइट्रोजन हमें 14 ग्राम दिया हुआ है, यहाँ पर हमें 16 ग्राम ऑक्सीजन दिया हुआ है, ओके जी मतलब यहाँ पर 14 ग्राम हमको नाइट्रोजन का पीएच दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, यहाँ पर 16 ग्राम हमको ऑक्सीजन का वेट दिया हुआ है। तो हमको और नीचे फिर दूसरे में हमको 14 ग्राम दिया हुआ है एक बार, और यहाँ पर ऑक्सीजन का हमको 32 ग्राम दिया हुआ है, 32 हाँ नेक्स्ट हमको दिया हुआ है 28 ग्राम नाइट्रोजन का और 32 ग्राम हमको ऑक्सीजन का, फिर यहाँ पर 28 ग्राम हमको दिया हुआ है नाइट्रोजन का और 80 ग्राम हमको दिया हुआ है यहाँ पर ऑक्सीजन का। तो हमको इसमें बताना है कि कौन सा लो फॉलो होगा इसमें से, तो हम क्या करते हैं देखो एक किसी एक मास को हम क्या कर लेते हैं डेफिनेट कर लेते हैं, डेफिनेट अच्छा प्रोपोर्शंस का मीन्स होता है कि मास हमारा डेफिनेट होना चाहिए, मतलब कोई सा भी एक मास हमको डेफिनेट कर लेना है, डेफिनेट मीन्स कॉन्स्टेंट, कि जितना फर्स्ट में यूज होगा उतना ही सेकंड में यूज होगा, उतना ही थर्ड में यूज होगा, उतना ही हमारा फोर्थ में यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम नाइट्रोजन का देखें तो नाइट्रोजन का यहाँ पर कितना यूज हो रहा है 14, यहाँ पर कितना यूज हो रहा है 14, यहाँ पर कितना हो 28, यहाँ पर कितना हो रहा है 28। तो हम इसको क्या करें ऊपर
वालों को अगर दोनों को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर हमारा नाइट्रोजन का वेट कितना हो जाएगा, 28। यस सर। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 32। और फिर नीचे वाले को भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका 22 और इसका कितना हो जाएगा, 64। और इसका 28 है ये, और इसका भी 32 है, और इसका कितना है 28, और इसका कितना है 80। तो देखो ये डेफिनेट हो गया ना, एक मतलब नाइट्रोजन का वेट हमारा क्या हो गया, डेफिनेट हो गया। डेफिनेट मीन्स कांस्टेंट है, 28 ऊपर है, 28 नीचे है, 28 नीचे है, 28 नीचे है। तो इनका जो एक का मास हो गया हमारा डेफिनेट, तो दूसरा हमारा कितना हुआ, 32 64 32 80। मतलब अगर हम सर 80 या 160, मतलब उस वाले में तो 80 दिया हुआ था, 80 दिया हुआ है ना यहाँ पर। तो हमने इसको, ये तो 28 है, हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया ना, 2 से मल्टीप्लाई हमने सिर्फ फर्स्ट और सेकंड को किया है। अच्छा ठीक है, फर्स्ट और सेकंड को, मतलब हमने क्या किया, किसी एक रिएक्टेंट के मास को डेफिनेट करा है। डेफिनेट प्रोपोर्शंस का मतलब होता है किसी भी एक रिएक्टेंट के मास को हमने डेफिनेट करना है बस। तो हमने क्या किया, नाइट्रोजन के मास को डेफिनेट कर लिया। करने को हम इसको भी कर सकते थे डेफिनेट, ऐसा नहीं है कि इसको नहीं कर सकते। इसको क्या करना पड़ेगा, देखो 80 बनाना पड़ेगा, सबको सबको 80 बनाना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो हमने ये देखो इजी था, इसको 14 14 और 28 28। तो हमने क्या किया, ऊपर वालों को इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये भी 28 हो गया, ये भी 28 हो गया, ये भी 28, ये भी 28। तो ये भी हमारे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम नाइट्रोजन के मास को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऑक्सीजन के मास को भी तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम दोनों को इनको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो एक तो हो गया हमारा डेफिनेट। तो इसमें कौन सा केमिकल कॉम्बिनेशन लग रहा है अगर आपसे पूछा जाए तो? इसमें लग रहा है कौन सा लॉ? अभी आपने लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, यही लग रहा है ना? ठीक है जी सर। तो ये आप बता दोगे ना देखकर? जी सर। ओके। दूसरा, अब यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन है जिसमें हमको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का वेट दिया हुआ है। अगर यहाँ पर हम नाइट्रोजन लिखे, ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है, इसका वेट मॉलिक्यूलर मास 14 होता है और इसका 16 होता है। यहाँ पर हमारे कंपाउंड बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने नाइट्रोजन 14 यूज किया है, ऑक्सीजन 16 यूज किया है और हमारा कंपाउंड बन रहा है N2O। ठीक है, यहाँ पर हमने नाइट्रोजन 14 यूज किया है, यहाँ पर ऑक्सीजन हमने 16 यूज किया है और हमारा कंपाउंड बन रहा है NO। यहाँ पर हम 28 यूज कर रहे हैं और इसको हम 28 ना, इसको हम 48 यूज कर रहे हैं, तो हमारा कंपाउंड बन रहा है N2O3। ठीक है, और ये हमने 14 इसका मास भी ले रहे हैं और यहाँ पर ये हम 32 यूज कर रहे हैं, तो हमारा कंपाउंड बन रहा है NO2। और ये हम 28 ले रहे हैं और ये हम ले रहे हैं 80, तो हमारा कंपाउंड बन रहा है N2O5। अब इसमें देखो, इसमें हमें एक तो बताना है कि इसमें कौन सा केमिकल लो फॉलो होगा, कौन सा लग रहा होगा तुम्हारे हिसाब से। तो 28 है, ये 28 है, तो हम इसको, इसको और इसको और इस, हाँ ये तीन बचे ना, ये तीन 14 14। तो हमें सबको, हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, किसी एक को डेफिनेट करना पड़ेगा। Am I right? Yes, sir. अगर हम नाइट्रोजन को डेफिनेट करें तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, 28 करना पड़ेगा ना, सबको सब सेम हो जाएंगे। Yes, तो yes, इसको क्या करना पड़ेगा, 14 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। Yes, sir. अभी तो ये 28 होगा। Yes, sir. जब ये, इसको अगर हम डेफिनेट कर रहे हैं 14 14 को, ये मतलब डेफिनेट करने के लिए सबको सेम करना पड़ेगा। मैं राइट, सब सेम कब होंगे, जब हम अगर सबको या तो 28 कर दें या फिर कितना कर दें, 14 कर दें। तो 14 करना होगा तो 28 को क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करना होगा। यस सर। ठीक है, यही होगा ना, या तो इनको सबको 14 कर लो या सबको 28 कर लो। तो हमने क्या किया, 28 कर लिया।
अगर 28 कर लिया, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये हमारा 32 आएगा। ये अगर इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी कितना आएगा, हमारा 32 आएगा। ये हमारा जी 28 है, ये हमारा 48 है, ये ठीक है। ये हमारा अगर जी कितना है 14 है, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 28, ये कितना हो जाएगा हमारा 64। ये 28 है, ये हमारा कितना हो जाएगा 80। तो अगर ये डेफिनेट बनाना हो तो ये देखो डेफिनेट हो गया ना मास ऑफ नाइट्रोजन के, हो यस गए। तो यस हमारा इसमें कौन सा लॉ लगेगा डेफिनेट प्रोपोर्शन का, ठीक है। जी सर तो अगर और अगर हमसे रेशियो पूछा जाए कि यहां पर जो दूसरा कंपाउंड है उसका रेशियो कितना आएगा, तो रेशियो कितना आ रहा होगा आपका 32, ये कितना था आपका 32, 32, 48, 64, 80। किस नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, 16 से, 16 फाइव जा 80, 16 फोर जा 64, 16 सिक्सटी थ्री फोर जा 48, फोर्टी एट 16 2 जा 32। 2 जा हाँ तो कितना आएगा अगर इनका रेशियो निकाले, 2:2:3:4:5। मतलब फाइव इनका हम ऑक्सीजन जो ले रहे हैं इस रेशियो में ले रहे हैं, ओके ओके। तो ये हमारा हो गया डेफिनेट प्रोपोर्शंस का लॉ, ठीक है। इस तरीके का ही आएगा, मतलब ये आते नहीं है, ये तो आते नहीं है अब, ये बहुत पहले आते थे, लेकिन हमारे यस सिलेबस में है तो हमको पता होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट हम यस पढ़ते हैं गे लुसैक लॉ। गे लुसैक लॉ से पहले हमारा रेसिप्रोकल लॉ भी था, ये 4, 5, ओके। एक मिनट, गे लुसैक से पहले हमारा रेसिप्रोकल एवोगाड्रो हाइपोथेसिस, ओके ओके। चलो चलो, गे लुसैक लॉ देखो, गे लुसैक लॉ कहता है कि अगर हम कोई गैस, मतलब कोई गैस का वॉल्यूम ले, हेलो, यस सर देखो गे लुसैक लॉ जो था वो हमको दिया था गे लुसैक ने 1808 में। यस सर थक गए, आई होप, ठीक नहीं सर है। तो गे लुसैक लॉ हमको गे लुसैक ने दिया था 1808 में। तो ये बोल रहे थे कि जब गैस कंबाइन करती है तो वो एक केमिकल रिएक्शन देती है, तो जो उनका वॉल्यूम आएगा ना वो हमारा सिंपल रेशियो आएगा, मतलब सिंपल होल रेशियो आएगा उनके वॉल्यूम का, ठीक है। मतलब जैसे कि आपका यहाँ पर H2 गैस है, वो रिएक्ट करा आपका Cl2 गैस से, ठीक है। तो अब देखो अगर हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो कौन सा गैस बनेगा, कौन सा गैस बना ये एचसीएल HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक बोलते हैं। तो जी सर हाँ जी सर यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने मोल यूज हुए हैं, 2, क्लोरीन के कितने यूज हुए हैं, 2। अगर रिएक्शन टू बैलेंस करनी हो तो यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने टू मोल एचसीएल यूज होने चाहिए थे, 2। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लोरीन के भी 2 आ गए, हाइड्रोजन के भी 2 आ गए, इनके बेटे ठीक है। वाले तो टू ये कह रहे हैं कि हमने हाइड्रोजन लिया है 100 ml, हाँ ठीक है, और यहाँ पर हमने क्लोरीन भी लिया है आपका, क्लोरीन लिया है 200 ml। तो आपका जो HCl है वो बन रहा है आपका 2, मतलब 2 मोल बन रहा है। कि अगर यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने मोल लिए हमने, 1, यहाँ पर क्लोरीन के कितने मोल लिए हमने, 1, और यहाँ पर 1 कितने रहे हैं, 2 मोल। जो आपका गैस बन रहा है वो 2 मोल बन रहा है ना। तो अगर यहाँ पर ये हम 100 ml ले, ठीक है, और ये यहाँ पर हम 200 ml ले ले, ठीक है। तो ये आपका, इसका ये आपका बन रहा है, सपोज करो इसका डबल, 200 ml, ठीक है। तो यहाँ पर इनका जो वॉल्यूम है वो कितना बनेगा, कि मतलब जितना यहाँ पर अगर हम 100 ml ले रहे हैं ना, एक यहाँ पर भी हम 100 कर लेते हैं एक बार, अगर यहाँ पर हम हाइड्रोजन का 100 ml ले रहे हैं ना, ये H2 है हमारा,
और ये क्लोरीन के साथ इसको हम रिएक्ट कराए, ये हमारा HCl बना रहा है। HCl के कितने मोल बन रहे हैं? 2। कि अगर हम हाइड्रोजन के 100 ml ले रहे हैं और क्लोरीन हम 100 ml ले रहे हैं, तो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना ml बनेगा? 200। 200 ml, ठीक है। तो ये बोलता था गेलो सैकलो कि इनका जो रेशियो आएगा, जो भी हम गैस लेंगे उनका रेशियो कैसा होगा, एक सिंपल होल रेशियो होना चाहिए, मतलब सिंपल रेशियो होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर इन्होंने एक एग्जांपल लिया हुआ है कि हाइड्रोजन लिया हमने 100 ml, ठीक है। हमको देखो हाइड्रोजन एंड और उसके साथ इन्होंने क्या लिया हुआ है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना लिया है इन्होंने? 50 ml, और हाइड्रोजन कितना लिया है इन्होंने? 100 ml, ठीक है। तो ये क्या बना रहा है? इससे वाटर बना रहे होंगे ना। तो रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो रिएक्शन कैसे बैलेंस होगी? हाइड्रोजन के 2 मोल है, यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने मोल है? 2 मोल है ना। ऑक्सीजन का यहाँ पर कितने, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है? 2 है, यहाँ पर कितने है? 1, वन ठीक है। तो इनका जो वाटर है वो बन रहा है 100 ml। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये रिएक्शन बैलेंस करो अच्छा पहले तुम, उसके बाद आप बताओ ना मेरे को H2+O2 गिव्स H2O। इस रिएक्शन को बैलेंस करो, कैसे बैलेंस करोगे? एक क्या है सर, H2+O तो O2 हो जाएगा प्लस H2। 2H2+O2+2H2O। हाँ ठीक है, टू एंड यहाँ पर भी आपका आ जाएगा 2, ठीक है। अब बैलेंस हो गया है। तो ये कह रहे हैं कि हमने 100 ml तो यूज किया है आपका H2O, और आपका 50 ml यूज किया है हमने O2, और हमको क्या मिल रहा है? 100 ml क्या मिल रहा है? H2। मतलब देखो कि अगर ऑक्सीजन हम 50 ml, मतलब 1 मोल यूज कर रहे हैं ना हम ऑक्सीजन का यहाँ पर, जी सर। और हाइड्रोजन के कितने मोल यूज कर रहे हैं? कितने मोल यूज कर रहे हैं हाइड्रोजन के यहाँ पर हम? हाइड्रोजन के हम लोग करें तो 2 मोल्स। मतलब जितना हम ऑक्सीजन यूज करेंगे ना, उससे दुगना हमको क्या करना यूज करना पड़ेगा? हाइड्रोजन, हाँ, ट्रू। ठीक है। तो वाटर के कितने मोल बन रहे हैं यहाँ पर? 2। टू, ठीक है। मतलब अगर हम यहाँ पर 50 ml ऑक्सीजन यूज करें और 100 ml हम H2 यूज करें, मतलब हाइड्रोजन यूज करें, तो हमें वाटर कितने ml मिलेगा? अगर हम 2 2। ये तो मोल मिल रहे हैं, 2। 100 हंड्रेड हंड्रेड क्यों मिलेगा? देखो, एक हमने 50 ml हमने किया यूज किया O2, O2 और हाइड्रोजन के कितने मोल थे? जितना ऑक्सीजन का था, ऑक्सीजन का एक था, हाइड्रोजन के कितने हैं हमारे? 2 मोल। तो कितने दो मोल यूज किया हमने? इसका डबल यूज किया, मतलब 50 ml हमने H2 यूज किया, वो सॉरी 50 ml हमने ऑक्सीजन यूज किया, और हमने ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितना ml यूज किया? 100 ml। तो यहाँ पर इसका जो मोल बन रहा है, फाइनल वाटर बन रहा है, वो इसका कितना बन रहा है? 2 मोल बन रहा है ना। मतलब जी सर। H2O कितना बनेगा हमारा? 100 ml। तो हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि हम जो इनका वॉल्यूम लेंगे वो सिंपल होल रेशियो में लेंगे। तो ऑक्सीजन का अगर हम यहाँ पर मोल निकालें तो कितना आ रहा है? 1, और हाइड्रोजन का कितना आ रहा है? 2। 2 2 ही तो आ रहा है, 2 ही मोल तो लिए है ना हमने। तो इनका जो रेशियो बन रहा है ना, वो इनका जो रेशियो आएगा वो सिंपल होल रेशियो आना चाहिए। मतलब यहाँ पर हम ऑक्सीजन का 1 मोल यूज कर रहे हैं, ये कर लिया, और हाइड्रोजन के कितने मोल यूज कर रहे हैं? 2, ठीक है। तो जो भी गैस हम यूज करेंगे उनका जो रेशियो होना चाहिए वो सिंपल होल रेशियो होना चाहिए। जैसे हम HCl बना रहे थे यहाँ पर, H2+Cl2 गिव्स 2HCl, ठीक है। ये बनाया हमने, मैं इसको सही से लिख देता हूँ, H2+Cl2 गिव्स 2HCl, यही तो बना था। हेलो। जी सर। तो यहां पर अगर हम रेशियो देखें गैसेस का, तो कितना रेशियो आएगा?
कितने मोल यूज किए यहाँ उसके पर आपने हाइड्रोजन के, बाद यहाँ पर कितने कितना रेशियो यूज हाइड्रोजन के, कितने मोल यूज किए, क्यों टू टू क्यों यूज किए, मोल देखो, मोल मतलब इससे पहले कितने से मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ एक पर, एक इनको वन वन एक, वन 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 और क्लोरीन के कितने मोल यूज किए हैं यहाँ पर हमने, ही हुए है वन, तो इनका रेशियो कितना आएगा, 1:2 वन इस टू टू क्यों आएगा, वन इस टू वन वन इज आएगा टू वन ना, मतलब हाँ ये दोनों का 1:1 आएगा। तो हाँ ये यही बोलता है गेलो सैक्लो कि हम जब दो गैसेस को या दो से ज्यादा गैसेस को हम कंबाइन करते हैं तो उनका जो रेशियो आएगा वो एक सिंपल होल रेशियो आएगा। तो देखो ये 1:1 आ रहा है, यहाँ पर 1:2 आ रहा है, ठीक है, इसी तरीके से आएंगे आपके सारे रेशियो। ओके, ये था बस गेलो सैक्लो। हाँ देखो हमारे कितने हो गए, एक सबसे पहला तो हो गया कंजर्वेशन लॉ। कंजर्वेशन लॉ ने क्या बोला था, क्या बोला था कंजर्वेशन लॉ ने, एक मिनट मेरी बैटरी उड़ गई यार।